नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, कहते हैं जहां आस्था है वहीं भगवान है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कुछ ऐसा ही दृश्य मध्य प्रदेश के इस मंदिर में देखने मिलता है, जहां दीपक जलाने के लिए घी या तेल की नहीं बल्कि पानी की आवश्यकता पड़ती है, वो भी काली सिंध नदी का पानी। इस दीपक में कोई भी भक्त नदी का पानी डालकर इसकी रोशनी को प्रज्वलित कर सकता है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में काली सिंध नदी के किनारे स्थित गड़िया घाट वाली माता जी का मंदिर है। बताया जाता है कि बीते 5 साल से इस मंदिर में एक ही दीपक जलता आ रहा है और इसमें ना तो तेल डाला जाता है और ना ही घी, इस दीपक में सिर्फ पानी डाला जाता है। बताते हैं कि मंदिर के पुजारी को देवी मां ने स्वप्न में दर्शन दिए थे और पानी से दीपक जलाने को कहा। तब उन्होंने ऐसा किया तो दीपक जल उठा। जब ये बात गांव में फैली तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कई गांव वालों ने अपने हाथ से पानी लेकर दीपक में डाला और उसे जलाया तो वो जलने लगा। इस मंदिर में हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं। कहते हैं मंदिर में जलने वाले दीपक में जब पानी डाला जाता है तो कुछ देर बाद वो चिपचिपा हो जाता है, मतलब काली सिंध नदी का पानी दिए में डालते ही वो तेलीय हो जाता है, पानी चमत्कारिक रूप से तेल में बदल जाता है और दीपक अपने आप जलने लगता है। पानी से जलने वाला ये दीपक बरसात के मौसम में नहीं जलता है, दरअसल बारिश के पानी से काली सिंध नदी का जल स्तर बढ़ जाता है जिससे मंदिर पानी में डूब जाता है, इस कारण से पूजा नहीं हो पाती। इसके बाद शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन यानी नवरात्रि के पहले से ही दोबारा जोत जला दी जाती है, जो अगले वर्षा काल तक लगातार जलती रहती है। जय गड़िया घाट वाली माता जी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको माता के चमत्कार पर आधारित ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत, जय माता दी।